तो कितना हुआ आज? हो जाता है। ये है भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड। एयरपोर्ट पे फंस गया मैं 3 घंटा। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? तो आज है संडे का दिन, भाई वीक का लास्ट डे है। तो अभी है ना भाई 7:05 हो चुकी है और जो है ना लॉगिन हो चुका हूँ मैं दोनों भी ऐप। आज जो है ना भाई कितनी अर्निंग, कहाँ कहाँ पे जाता हूँ, तो वो सब कुछ जो है ना आपको अपडेट दूंगा। कल जो है ना भाई काम बहुत ही कम हुआ था, गलती जो हुई मैं ये साइड आना अवॉइड ही करता हूँ, बट पास के लिए जो है ना मुझे आना पड़ा, सो पास मुझे भारी पड़ गया। अभी जो है ना भाई कल जो नुकसान हुआ है ना भाई उसकी भरपाई जो है ना मैं पास से वसूल करने वाला हूँ इस महीने पूरा जो है ना पैसा। 1600 रुपए का पास आया है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये महीना जो है ना वो पास से कम 5 या 6 हजार रुपए निकालने की कोशिश करूंगा मैं। सो मैं पास का अमाउंट भी कितना होता है ना वो मैं जो है ना डेली का अपडेट करता हूँ, लिख के रखता हूँ, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा मंथ के एंड में कि भाई पास से मैंने कितनी अर्निंग की है। सो शुरू करते हैं। शुरू तो कर ही दिया है, सो अभी देखना बाकी है कि भाई मुंबई साइड की कौन सी पहली बुकिंग मिलती है, क्योंकि ये सब बज रही है अभी आजू बाजू की। बेलापुर से ही, बेलापुर में ड्रॉप है, बेलापुर से खारघर, उलवे, ट्रामोटे सब बज गई, तीनों तीन। अभी लेट्स सी कि भाई मुंबई साइड में कहाँ पे पहले जाता हूँ मैं। भाई ये क्या बुकिंग है, कोलसेवाड़ी शिवाजी कॉलोनी, सब है ना ऐसी बुकिंग आ रही है, नाम समझ में नहीं आ रहा है और कोई दूसरा रिसीव कर रहा है। ठीक है भाई दूसरा रिसीव कर रहा है ऐप में आएगा तो भाई मेरा रेटिंग जो है ना कम होएगा। ये देखो भाई उलवे पूरा रेड हुआ पड़ा है, उलवे की बुकिंग अभी आई थी मुझे, चले गया रहता भाई 15 मिनट में पहुंचता था मैं, वहां से सर्च में बुकिंग मिल सकती थी। पहले है ना आसपास में मैप में देख लेना चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या चलता है। नेरुल देखो भाई ये सब इधर आजू बाजू की बज रही है। मिलेगा भाई मिलेगा, जो मेरे नसीब में है अपने नसीब में जो है वो सब अपने को मिलेगा, उसको जो है ना कोई नहीं लेके जा सकता है। क्या बोलते हो बॉस? क्या बोलते हो? किस चीज का डोनेशन? आइसक्रीम खाने का? हाँ। क्या वो समोसा वड़ा पाव खाने का? समोसा वड़ा पाव। हाँ वड़ा पाव तू लगा पैसे साला। जलेबी, जलेबी इसको। किधर रहते हो? किधर रहते हो? उधर। किधर? उधर उधर दादा आप बोलो खिला देंगे। वड़ा पाव खाने? हाँ। रुक जा एक मिनट देता हूँ। कितने का आता वड़ा पाव? कितने का आता है? 15 का आता है पर 10 रुपए। हाँ? और कुछ नहीं खाएगा ना, वड़ा पाव ही खाएगा? हाँ। क्या और कुछ खाने का है? और इसको लगा जिले भी है। ये ले 20 रुपए है, लेकिन तू जा सामने में, इधर से देख रहा हूँ। हाँ। वड़ा पाव ले और जलेबी खा। हाँ। भाई देखो अभी देखते भाई ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किधर जा रहा है भाई। ऐसा खाने के लिए कोई बोलेगा तो भाई मना नहीं कर सकते, डायरेक्टली ऐसा पैसा नहीं दे सकता किसी को मैं तो भाई, रोड पे भी नहीं देता हूँ ज्यादातर पैसे किसी को। देखो भाई ये जा रहा है कि नहीं, भाई उधर है सामने, गया तो सही, गया भाई गया। ज्यादातर है ना पैसे मैं देता नहीं रोड पे भी किसी को, अगर खाने के लिए या पीने के लिए कोई कुछ बोलता है तो भाई मैं मना नहीं करता किसी को। सो बच्चे थे यार, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सो उनको जो है ना दिया मैंने 20 रुपए। मेरे पास रोड पे है ना कोई मतलब आता है ना पानी भी बोलता है ना, तो भाई मेरे पास स्टील की बोतल होती है ना तो भी मैं दे देता हूँ ऐसी है ना, स्टील की 2-3 बोतल मैंने ऐसी दी हुई है। सो भाई पानी के लिए किसी को मना नहीं करता, और बच्चे थे तो भाई खाना था तो भाई खाने के लिए कैसे मना कर सकता है कोई, तो ये चीज है। सो दिया करो यार, ऐसे भी अपने पास रोड पे आता है कोई पानी भी नहीं मांगता है, तो एक्स्ट्रा बोतल रखने की, कोई मांगेगा तो प्लास्टिक की रखने की, एक्स्ट्रा बोतल कोई मांगेगा तो दे देने का। सो भाई अच्छा लगता है ऐसे थोड़ा कुछ ऐसे करते हैं ना, तो पूरा दिन ऐसा है ना अच्छा फील होता है कि भाई कुछ तो अच्छा काम किया आज, तो बस यही है ऐसे करते रहना चाहिए और करना भी चाहिए गाइस। क्या बोलते हो भाई, अपने दोस्त की गाड़ी आ गई? क्या क्या भाई प्राइम प्लस बुकिंग आई है? अच्छा बुकिंग आई है। हाँ। पिकअप करने जा रहे हो? हाँ। और क्या? किधर का है? अच्छा अग्रोली से वासी जा रहा हूँ। तो कितना हुआ आज? हो जाता है 3-3.5-4 हजार। प्राइम प्लस? खाली प्राइम प्लस चला दो क्या? उबर भी? प्राइम प्लस। अच्छा पिकअप के लिए जा रहे हो? मैं नाइट में चलाता हूँ, तुम्हारा फोन एक दो बार आया ना। हाँ। सो मैंने नहीं उठाया था क्योंकि मैं सोया रहता हूँ दिन में, किधर चले गए मेरा वीडियो देखते हो ना बस, फिर डोम्बी वाली ये सब बज रहा है। चलो करो। हाँ 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 चलो भाई, प्राइम प्लस की बुकिंग आई है भाई, जा रहे पिकअप के लिए। तो इसने ना भाई प्राइम प्लस में गाड़ी अटैच की थी, और फिर है ना भाई स्टार्टिंग में तो बुकिंग वगैरह नहीं थी, तो बुकिंग नहीं आ रही थी,
बैठना पड़ रहा था, इधर उधर भगा रहे थे, तो फिर क्या किया, प्राइम प्लस से निकाल दिया। और जैसे ही निकाला ना, वैसे ही जो है ना भाई, इसका जो है ना मिनी चालू कर दिया ओला ने। तो इसने ना कहीं से तो भाई मिनी उसका ऑफ करवाया, बट फिर प्राइम में बुकिंग नहीं आ रही, क्योंकि भाई सब लोग अभी प्राइम प्लस में कन्वर्ट हो गए। तो अभी भाई ये क्या करेगा, फिर इसने वापस प्राइम प्लस में गाड़ी लगाई और अभी भाई अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है बंदा। चलो नेक्सस मॉल सिवुड़ की बुकिंग मैंने ली है भाई, मॉल के पास पहुंच जाता हूं, फिर वहां से जो है ना कहीं का मिल जाएगा। पहले यहां से निकलता हूं भाई, बेलापुर में नहीं तो है ना फंस जाते हैं रात को। कल है ना 70 किलोमीटर गाड़ी चली थी और 1300 रुपए का काम हुआ था, तो इसको है ना रीसेट कर देता हूं। गाइस 8:10 हो गए और वापस से भाई मॉल से एक मैंने खारघर की बुकिंग उठाई है, एक भी बुकिंग नहीं बज रही है, सो एक खारघर की उठा ली है। डायरेक्ट मुंबई साइड का वेट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो है ना भाई टाइम जा रहा है हाथ से। सो जो भी यहाँ वहाँ की मिले वो करके, अगर बीच में मुंबई साइड की आ गई तो ठीक है। खारघर भी आ गया, 148 मिला 10 किलोमीटर का। गाड़ी बंद करके बैठता हूँ, आएगा भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा, संडे है ना। 9 बजने आए और एक बुकिंग मिली अभी सायन ईस्ट की। ड्रॉप था ना, ये था सायन और चुनाबट्टी के बीच में, जो के जे सोमैया कॉलेज है, एग्जैक्ट BKC का रोड है, उसके ऑपोजिट साइड में ही था। सो उसके पैरेलल ही ड्रॉप था। तो मैं अभी जो है ना ये पहुंच चुका हूँ अभी BKC करेक्टर पे। सो है ना अभी जा रहा हूँ मैं एयरपोर्ट की तरफ। मैं सायन से भी जा सकता था बट वहाँ से नहीं जाना है, वहाँ से जो है ना ट्रिप नहीं मिलती थी। अगर BKC से होके जाता हूँ, अगर कोई ट्रिप रहेगी तो बीच में मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती तो सीधा मैं डायरेक्टली अभी जो है ना एयरपोर्ट पर जाके रुकूंगा। बाजार का बुकिंग बजा है, शालीमार रेस्टोरेंट, मुझे जाना तो है वो साइड बट अरे यार आ भी गया, 33 मिनट्स में दिखा रहा है, तो चलो ले लेता हूँ। पहुंच गया मैं भाई, 10:36 हो गई और अमाउंट कितना मिला है, 210 रुपए 14 किलोमीटर का। और भाई ये है भिंडी बाजार मोहम्मद अली रोड। भाई आज संडे है ना, इसके लिए इतना खाली है, नहीं तो ये ना पूरा पैक रहता है भाई। यहाँ पे मैं नहीं आता था, बुकिंग पे लिखा ही हुआ था कि भाई भिंडी बाजार, मैं समझ गया। बट जब भी बुकिंग आई तो मैंने ड्रॉप पॉइंट जो है ना देखा, तो भाई वो मेन रोड का ही था, सो इसके लिए मैंने जो है ना एक्सेप्ट कर लिया। अदरवाइज यहाँ पे है ना भाई रुकने का तो छोड़ो भाई, ये रास्ता ही नहीं खाली मिलता, इतना जाम रहता है, इतना ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। सो अभी है ना मैं जा रहा हूँ अपने वही सेम अड्डा पे, काला घोड़ा पॉइंट, तो वहां पे जाके रुकता हूँ। ये है ना BMC का ऑफिस है पूरा, और यहाँ पे पॉइंट है भाई, इधर है ना सब लोग रील्स वगैरह बनाते हैं, फोटोज खींचते हैं। और ये जो है ना ये सामने CST रेलवे स्टेशन। 11 बजने आए गाइस और मैंने ना एक बांद्रा की बुकिंग एक्सेप्ट की है, बांद्रा वेस्ट। सो है ना पिकअप करते हैं इनको। 11:55 होने आए और एक है ना अंधेरी ईस्ट की बुकिंग ली है मैंने। बांद्रा वेस्ट में पहुंच गया, कस्टमर को ड्रॉप किया, अभी मैं ना अंधेरी पहुंच रहा हूँ। अंधेरी पहुंच के ना पहले ही CNG भरवाऊंगा। अंधेरी ईस्ट पहुंच गया मैं, अकाउंट मिला 150 रुपए। CNG है ना भाई रिजर्व में आ चुका है, एक ही गाड़ी है भाई आगे, पूरा खाली है, 608 रुपए में फुल हुआ है, चालू हो गया लगता है ट्रैफिक भाई। तो ललित के यहाँ से ही रोज कोई ना कोई फंसता है यहाँ पे। सही था भाई, गाड़ियां देखो पूरा चौकअप करके रखा है जाम, और गाड़ियां देखो भाई 225 भी आ गई। अमित कुमार की बुकिंग जो है ना मैंने एक्सेप्ट की है ओला में, और पहुंचता हूं मैं थाने। थाने की बुकिंग ली है, 456 हो गई, और मैं है ना जस्ट पहुंचा हूं मैं खारघर। पिकअप पॉइंट पे जाने के लिए ना भाई इतनी भीड़ थी कि भाई ओला में जो है ना बुकिंग हो गई कैंसिल, उसके बाद जो है ना उबर में आते आते टोकन पता है ना कितना था भाई, 265 तक टोकन था, तो भाई उबर में बुकिंग आते आते बच गए 2, और 2 बजे के बाद भाई इतनी बुकिंग स्लो हो गई कि मेरा नंबर जो है ना वो आया है 345 को। जस्ट मैं अभी जो है ना वो भी 3 बुकिंग बजी, एकदम बलती बजी, एकदम खराब रेट वाली, और फिर इतना 4th बुकिंग जो है ना वो आई खारघर की। सो मैंने ना वो एक्सेप्ट कर ली क्योंकि टाइम हो गया था। खारघर आया वैसे ही जो है ना जस्ट ड्रॉप किया कस्टमर को, 410 रुपए दिए 37 किलोमीटर के, मतलब समझ रहे हो भाई कितना कम रेट मिला है। खारघर जैसे पहुंचा ना वैसे ही एक वापस से बुकिंग आई जो कि है खारघर स्टेशन की,
सो मैंने पिकअप कर ली है। 6:05 हो चुकी है और ऑलमोस्ट है ना भाई अभी दिन निकलने वाला है। मैं ना अभी आ गया हूँ बेलापुर, अभी गाड़ी को पार्क करके जो है ना चलते हैं घर पे और सोता हूँ, क्योंकि खारघर में थोड़ा वेट किया अभी तक, बट बुकिंग्स वगैरह कुछ बची नहीं। भी मैं अगर मुंबई साइड जाऊँगा तो फिर आ नहीं पाऊंगा। सो बस यही है, 1855 रुपए का काम हुआ है टोटल और गाड़ी चली है 150 किलोमीटर। एयरपोर्ट पे फंस गया मैं 3 घंटा, जिसकी वजह से जो है ना वो अर्निंग अपनी नहीं हो पाई आज। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो अभी घर पे जाके रेस्ट करता हूँ। लेट निकल रहा हूँ मैं 2 दिन से, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अर्निंग के ऊपर जो है ना भाई बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। मुंबई में 12 बजे तक काम रहता है, अगर मैं लेट जितना निकलूंगा तो उतना टाइम मुझे कम मिलेगा काम करने के लिए। सो कोशिश करूंगा आज के मैं जल्दी निकलूं और फिर देखते हैं अपनी अर्निंग कितनी होती है। सो 1855 रुपये का काम किया है जिसमें 2 टोल कवर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक करके जो है ना शेयर कर दो और कमेंट करके जो है ना फटाफट सब्सक्राइब कर दो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।